हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया निटिंग कंपनी। फ्रेंड्स, आज हम सिंगल कलर के ऊन से बुनाई का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। उसके लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई पर 5 के मल्टीपल से फंदे डाल लिए हैं, प्लस 4 फंदे एक्स्ट्रा, 2 तो इसके 2 डिज़ाइन को सेट करने के लिए। 2 सिलाई उल्टी उल्टी निकाली, 2 सिलाई एक सीधी एक उल्टी निकाल ली है। ठीक है, आइए डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट रो, मेरे डिज़ाइन की फर्स्ट रो राइट साइड। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, एक फंदा मैंने एच का उतार लिया, ऊन आगे ली, 2 उल्टे बना लिए। ठीक है, ऊन पीछे ली, अब 1 2 3, ये 3 फंदे हैं ना, इन 3 फंदों को मैं इस तरह से 3 का एक कर लूँगी, लेकिन इससे पहले क्या करूँगी, मैं यहाँ जाली डालूँगी। ठीक है, ये इस तरह से लपेट के जाली डालूँगी, एक एज का बना लिया, 2 उल्टे बना लिए, एक जाली डाल ली, देखिए इस तरह से। ठीक है, और इन 3 फंदे, 1 2 3, इन 3 फंदों को मैं 3 का एक कर दूँगी, ये इस तरह से बैक लूप से पीछे से लेते हुए 3 का एक कर लिया फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा, ये देखिए, 3 का एक कर लिया। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2 उल्टे के बाद एक जाली डाल ली, तो यहाँ 3 का एक किया तो 2 फंदे कम हो गए, ये एक यहाँ बढ़ गया। ठीक है, और फिर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ हम फिर जाली डाल लेंगे, 3 का एक किया ना, यहाँ इससे पहले एक जाली डाली और इसके बाद में एक जाली डाली तो 2 फंदे बढ़ गए, यहाँ 2 फंदे, 3 का एक किया तो 2 फंदे कम हो गए, फंदे बराबर हो गए। अब नेक्स्ट में ये 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 2 तो ये, और 1 2 3, ये 5 5 की डिजाइन है हमारी, ये देखिए। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब ये 2 उल्टे ले लिए, फिर एक जाली डाल ली यूं करके, फिर 3 का एक कर दिया बैक लूप से, ये 3 फंदे नेक्स्ट थे उनका मैं एक फंदा बना लूंगी। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, और यहाँ जाली डालने से एक फंदा बढ़ गया, अब वापस यहाँ जाली डालोगे एक और फिर 2 उल्टे बुन लेंगे, तो यही 5 5 फंदे, 2 और 3 5, 2 और 3 5 रिपीट होते रहेंगे, आगे आगे हम डिज़ाइन बना लेंगे। ठीक है, ये लपेट के जाली डाल दी फ्रेंड्स, 2 उल्टे बनाने के बाद मैं जाली डाल ली, फिर 3 का एक कर लिया बैक लूप से सीधा बुनते हुए, ये इस तरह से। ठीक है, ये फंदे ड्रॉप कर दिए और फिर इस तरह से जाली डाल ली और 2 उल्टे बुन लिए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर ये देखे, ऐसे करके हमने ये जाली डाल ली, ये 3 फंदे हम ये बैक लूप से 3 फंदे मैं सीधे बुन लूँगी और जाली भी डाल दी, एक फंदा इधर बढ़ गया, अब वापस इधर जाली डाल लूँगी, एक फंदा इधर बढ़ गया और लास्ट में 3 फंदे उल्टे बुन लूँगी फ्रेंड्स, तो उल्टे और एक एज का इसको भी मैं उल्टा बुनूँगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारी डिज़ाइन की फर्स्ट रो बन के कम्प्लीट हो गई फ्रेंड्स। अब डिज़ाइन की सेकंड रो रॉन्ग साइड, एक फंदा एज का उतार लूँगी और ये 2 फंदे मैं जैसे दिख रहा है वैसा बन लेंगे, 2 सीधे और ये एक एज का। अब ये एक फंदा, 2 फंदा ये उल्टे दिख रहे हैं, ये 3 फंदे उल्टे, फिर यहाँ ये 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं, तो इधर से उल्टे बने थे, इधर से सीधे, 2 सीधे, फिर ये 2 जाली वाले और एक बीच वाला, ये तीनों फंदे उल्टे, 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, इस तरह से मैं मेरी ये सिलाई कंप्लीट कर ली। तो सेकंड रो रॉन्ग साइड फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, मेरे 2 सिलाई में डिज़ाइन कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब थर्ड रो राइट साइड आ गए। ठीक है, थर्ड रो राइट साइड आ गए, एक फंदा मैं एज का उतार लूँगी फ्रेंड्स, एक फंदा एज का उतार के 2 फंदे उल्टे बुन लूँगी फ्रेंड्स,
दो फंदे मैं उल्टे बुन लूँगी, दो फंदे उल्टे और ये तीन फंदे, एक दो तीन, ये तीन फंदे हमें सीधे दिख रहे, जैसा दिख रहा है वैसा बुन लेंगे। तीन फंदे सीधे, फिर दो फंदे ये उल्टे दिख रहे, दो फंदे उल्टे, ये थर्ड रो फ्रेंड्स राइट साइड है, तीन फंदे सीधे, ये दो उल्टे एक और एक, ये दो उल्टे, तीन सीधे, एक दो तीन, तीसरी सगाई ऐसी इसी तरह से फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो, बेल बटन का आइकन जरूर दबाएं ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो स्किप ना करें फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखें। ये थर्ड रो राइट साइड निकाल ली फ्रेंड्स मैंने, फोर्थ रो में आ गए। फोर्थ रो में एक फंदा मैं उतार लूँगी, जैसा दिख रहा वैसा, ये दो फंदे सीधे दिख रहे, दो फंदे सीधे बना लेंगे, और एक दो तीन उधर से सीधे बने थे, इधर से उल्टे दिख रहे हैं, ये तीन उल्टे, तीन उल्टे, ये एक और एक दो, दो फंदे सीधे दिख रहे हैं, दो सीधे, ये चौथी सलाई है रॉन्ग साइड से, दो उल्टे नहीं तीन उल्टे, तीन उल्टे, ये दो सीधे। इस तरह से मैं मेरी चौथी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ फ्रेंड्स। ये हमारा फोर रो का डिजाइन है, दो सीधे फिर तीन उल्टे, उल्टी तरफ से ये चौथी सिलाई है, फिर ये लास्ट वाले तीन सीधे बुन लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चौथी सिलाई, चार सिलाई में फ्रेंड्स हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से दिखता है। नेक्स्ट सिलाई पांच सिलाई में बताती हूँ आपको क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, चार सिलाई में मेरा डिजाइन कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब पांचवी सिलाई में हमारा नेक्स्ट बटन बनेगा, तो उसके लिए मैं बना लेती हूँ। एक फंदा मैं उतार लूँगी, दो उल्टे बना लूँगी। अब वैसे ही फर्स्ट रो में निकाली थी ना मैंने, ऐसे बनाना है, दो उल्टे फिर एक जाली डाली, यूं करके जाली डाल के, ये तीन जो सीधे फंदे ना, एक दो तीन, इन तीनों फंदों को फ्रेंड्स बैक लूप से मैं उल्टा ही बंधूंगी, नहीं सीधा बंधूंगी, तीन का एक कर लेंगे, और इसके तीन का एक करने से पहले पहले जाली डाली है मैंने, ये जाली डाली है, फिर तीन का एक कर दिया, फिर इधर भी जाली डालेंगे इसके बाद में, यूं घुमाते हुए एक, और फिर दो उल्टे बने हुए हैं, इन उल्टों पर दो उल्टे बुन लेंगे, फिर उन पीछे ले जाकर यूँ जाली डाली, फिर ये एक दो तीन फंदे हैं, इन पर मैं वापस, ये फर्स्ट से फोर रो रिपीट होके डिजाइन बन जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए तीन का एक कर देंगे, बैक लूप से तीन का, ये देखिए तीन का एक कर देंगे, और उससे पहले मैंने जाली डाली, एक इधर बढ़ गया, अब इधर भी जाली डाल लेंगे, यूँ घुमाते हुए, और फिर दो उल्टे बुन लेंगे, तो दो जाली से दो फंदे बढ़ गए, एक ही बढ़ गया, एक बढ़ गया, या दो कम हो गए, तीन का एक किया तो। ठीक है, तो इसी तरह हम ये जैसे फर्स्ट फोर रो कंप्लीट की, आगे भी इसी तरह कंप्लीट कर लेते, और थोड़ा बुन के मैं डिजाइन का फाइनल लुक बताती हूँ फ्रेंड्स। वीडियो कोई भी स्किप मत करें, वीडियो पूरा देखोगे तभी आपको पता चलेगा क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है। ठीक है, ये बैक लुक से मैं तीन का एक कर दिया, जाली डाल के तीन का एक कर दिया, फिर यूँ घुमाते हुए एक जाली डाली, फिर दो उल्टे बुन लिए। इस तरह से ये मेरे नेक्स्ट पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेती हूँ फ्रेंड्स, और थोड़ा बुन के बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे डिजाइन का फाइनल लुक, जाली भी डल गई है, छोटी छोटी फिश टाइप बन गया है ये डिजाइन। देखिए यहाँ से उभरा उभरा लगता है ना, ये छोटी छोटी फिश होती है ना, छोटी छोटी फिश टाइप डिजाइन बन गया फ्रेंड्स। देखिए बहुत सुंदर बना है फ्रेंड्स,
तो इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई करें, जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, किड्स स्वेटर, बेबी बॉय बेबी गर्ल के स्वेटर में किसी भी उसमें अप्लाई करें, बहुत सुंदर बन के उभरता है फ्रेंड्स। मात्र 4 सिलाइयों में बनने वाला डिज़ाइन है ये। 4-4 सिलाइयाँ रिपीट होती रहेगी, 4 यहाँ से यहाँ तक, फिर ये 4 यहाँ से यहाँ तक, 4 यहाँ से यहाँ तक। और शुरू में जो मैंने बॉर्डर के बाद 2 सीधी 1 उल्टी निकाली, वो बेसिक रो एक बार ही निकलेगी फ्रेंड्स पूरे डिज़ाइन में। बाद में ये 4-4 सिलाइयों का रिपीट होता रहेगा डिज़ाइन फ्रेंड्स। और देखिए फटाफट बुनने वाला है डिज़ाइन है, किसी भी कलर में इसको अप्लाई करें बहुत सुंदर बन के ऊपर आता है। छोटी छोटी मछलियाँ, इसको आप दो कलर में भी बना सकते हैं, एक दूसरे कलर में, एक दूसरे कलर में, और मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक तो बनता ही है फ्रेंड्स। तो लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो, ठीक है। और अपना फीडबैक दें फ्रेंड्स कमेंट करके कि मेरे वीडियो कैसे बन रहे हैं। और भी कुछ आपको सीखना है तो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अच्छा बनाना फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए फ्रेंड्स हमारा डार्क बैकग्राउंड में देखिए इस तरह से मछलियाँ बन के तैयार हुई है, 1, 2, 3, ठीक है। तो एक लाइक तो बनता ही है फ्रेंड्स, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, और ट्राई ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।